वेलकम बैक टू शहाना किचन गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालूशाही की रेसिपी, और ये बालूशाही बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त है और इतनी जूसी है मैं आपको बता नहीं सकती, कि देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये हमारे घर की बालूशाही है, और इतनी सॉफ्ट है और इतनी जूसी है। एक मैं बालूशाही आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो देखिए कितनी मज़ेदार हमारी बालूशाही है, अंदर से जूसी बाहर से क्रंची, इतना मज़ेदार बनी है। ये देख सकती है कि बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बालूशाही बनी है, एक एक परत बाहर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बालूशाही बनानी। देखिए बालूशाही बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्लीन बाउल ले लिया है, और इसके अंदर में डालनी है ये मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पर ये 300 ग्राम मैदा ली है, और 300 ग्राम मैदा में मैंने इसमें डालना है एक पिंच नमक, क्योंकि जब मीठा बनाती है तो उसमें थोड़ा सा नमक डालना चाहिए, जिससे कि मीठा हमारा अच्छा सा बनेगा। और साथ ही हमने लेना है ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, तो यहाँ पर मैंने ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है। और साथ ही हमने लेना है ये 100 ग्राम्स देसी घी, इसके अंदर में हमने डाल देना है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अभी हमने इसके अंदर में पानी नहीं डालना है। देखिए घी को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, और इसके अंदर में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना है। अच्छा ध्यान रहे कि ये जो हमारे बालूशाही के जो आटा लगाते हैं उसको ज़्यादा मलमल के नहीं हमने गूंदना होता है, हल्के हाथ से गूंदना होता है, क्योंकि जो इसकी परत है वो बैठनी नहीं चाहिए। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पैन करके डालेंगे, और इसमें ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो ध्यान रहे बस पानी ज़्यादा ना होना चाहिए। इसको हमने गूंदना नहीं होता है, मुक्की नहीं मारनी होती है, जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से नहीं गूंदना है, हल्के हाथ से इस तरह से गूंदना है। और इसके जो खिले खिले ये परत है ये हमने बिल्कुल बिठाना नहीं है, तो ये देख सकते हैं कि हमने ये इसको कर दिया है, और इसके अंदर मैं और पानी नहीं डालूंगी, इसको हल्के हाथ से ऐसे ही करना है। देखिए हमारे जो आटा है वो बिल्कुल खिला खिला है, और इसको मैंने इसी तरह से रखना है, कम से कम ये मैं 20 मिनट के लिए रख रही हूँ ढक के। और जब तक ये 20 मिनट रेस्ट कर रहे हैं हमने इसकी चाशनी तैयार कर लेती है। देखिए चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई रखती है, और इसके अंदर में हमने 300 ग्राम चीनी डालेंगे, और जितनी चीनी है उसका हाफ हमने इसमें पानी डालना है। और इसकी जो चाशनी है वो एक तार दो तार के लिए बनाएंगे, सिर्फ हल्की सी मोटी परत आएगी, बस इतनी हमने इसकी चाशनी तैयार करेंगे। देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का से जो मोटी सी परत आती है वो आएगी। और इसके अंदर में हमने डालना है ये इलायची पाउडर, इससे क्या है हमारी जो बालूशाही में फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी आएगा। और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं केसर के धागे, तो यहाँ पर केसर भी डाल दिया है, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें फूड कलर। तो यहाँ पर मैंने ये ड्राई डाल रही हूँ, अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है, और इसको हल्का सा मिक्स कर देते हैं, इससे क्या है हमारी जो बालूशाही का कलर आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। देखिए हमारी बालूशाही की चाशनी बिल्कुल तैयार है, और इसको हमने चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से हमने चेक करना है, तो इसके अंदर में जो मोटी सी परत आ रही है हल्की सी, तो बस इसको हमने गैस को बंद कर रहे हैं और साथ में बनाते हैं बालूशाही। देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है, और ये यहाँ पर मैं अपने डो को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये 20 मिनट हो गई है डो को रेस्ट पे, तो इसको हमने गूंद लेने हैं, और इसको आपको बताया है कि हमने इसको ज़्यादा मलमल के नहीं गूंदना है, इसी तरह से बस खट्टा करना है इसको, और पानी भी हमने और नहीं डालना है, बस इसको इसी तरह से सारा खट्टा कर लेते हैं। देखिए सारी हमने मैदा को खट्टा कर लिया है इसी तरह से, और इसको हमने उठा के छोटे छोटे इसके पेड़े तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ले लिया है, और छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे। ये देख सकते हैं कितना छोटा सा पेड़ा बनाया है, जैसे हम पूरी का पेड़ा लेते हैं ना, लोई लेते हैं, उतना ही हमने इसको तोड़ना है। तो सारे हमने इसी एक ही साइज़ के हमने सारे पेड़े तोड़ लेते हैं। देखिए हमने अपनी बालूशाही के सारे पेड़े तोड़ लिए हैं, और इसको हमने एक पेड़ा लेते हैं, और अपने हाथ पर रख के इसको गोला बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको गोला बनाना है, और इसके अंदर में हमने बीच में से सुराख करेंगे, जिससे कि हमारी जो बालूशाही का शेप है वो अच्छा आएगा। देखिए हमने अपनी बालूशाही के सारे पेड़े तोड़ लिए हैं, और इसी तरह से हमने अपने बालूशाही के पेड़े को ऐसे गोल करेंगे अच्छे से, और इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पे ये सुराख करना है एक हल्का सा। तो ये देखिए इस तरह से हमने सुराख करना है अपनी बालूशाही में, और इसी तरीका से हमने सारी बालूशाही तैयार करेंगे। देखिए हमारी बालूशाही बन गई है, और इसको चलते हैं फ्राई करने। देखिए ऑयल को हमने गरम कर लिया है, ये मैंने तेज़ गरम नहीं किया है, हल्का सा गरम है। तो इसके अंदर में हमने डालनी है अपनी बालूशाही,
जब भी बालूशाही फ्राई करें तो तेल को हल्के ही गर्म रखें, ज़्यादा तेल में तेज़ गर्म में डालेंगे तो बालूशाही अच्छे बनेगी नहीं, क्रिस्मी नहीं होंगी और बहुत जल्दी से पक जाएंगी। तो ध्यान रहे कि हमने बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो रखा है और देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा गर्म है ऑयल, और इसको एकदम सा नहीं पलटेंगे, पहले हल्का सा ये नीचे से एक साइड, देखिए हमारी बालूशाही एक साइड से सीख चुके हैं और इसको हमने हल्के हाथ से पलट देते हैं और देख सकते हैं कि इसकी जो परत है वो दिखने लगी है और इसको हल्के हाथ से पलटना होता है। देखिए हमारी बालूशाही अच्छे से फ्राई हो गई है और इसको मैं निकालने लगी हूँ और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, इससे ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करनी है। देखिए हमने अपनी बालूशाही को ये चाशनी में डालेंगे, तो चाशनी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था क्योंकि चाशनी हमारी ठंडी हो गई थी, तो इसके अंदर में हमने बालूशाही डाल देते हैं, इससे क्या है हमारी जो बालूशाही है बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। इसको ढक्कन लगा देते हैं, देखिए 10 मिनट हो गए हैं और इसको हम पलट देते हैं जिससे कि दोनों साइड से ये चाशनी एडजस्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारी बालूशाही में, देखिए हमारी बालूशाही ने अच्छे से चाशनी को एडजस्ट कर लिया है और मैं इसको निकालने लगी हूँ और इसके अंदर में हमने बाकी की बालूशाही डाल देते हैं जिससे कि हमारी वो भी तैयार हो जाएंगी। ये बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं चाशनी को, देखिए हमारी बालूशाही बनकर तैयार है और देख सकते हैं कि जो चाशनी में हमने डाली थी तो बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर ली है चाशनी, और ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी बालूशाही बनी है और बहुत अच्छे से परत बाहर दिख रही है, लग ही नहीं रही है कि ये हमारी घर की बालूशाही है, बहुत आसानी से ये बन गई है। तो चलिए इसको हमने प्लेट में लगा दी है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा लगाना है पिस्ता, क्योंकि पिस्ता के बगैर तो थोड़ी सी हमारी जो बालूशाही है थोड़ी सी अधूरी लग रही है, देखने में इतनी खूबसूरत नहीं लग रही है, तो इसकी हमने खूबसूरती और बढ़ा देती है। तो इसके अंदर में हमने रखना है ये पिस्ता, ये हरा पिस्ता मैं डाल रही हूँ इसमें, इसको हमने सारे में लगाना है अच्छे से। देखिए पिस्ता हमने लगा दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें लगा रही हूँ चांदी का वर्क, तो ये बिल्कुल जरा जरा सा लगाना है, हल्का से ही लगाना है, ज़्यादा हमने चांदी का वर्क नहीं लगाएंगे, इससे क्या है कि हमारी जो बालूशाही है वो बहुत ही सुंदर दिखेंगी। तो ये मैं छुरी की मदद से हल्का हल्का लगा रही हूँ क्योंकि इसको हमने पूरा कवर नहीं करना है, हल्का सा ये टच देना है अपने चांदी के वर्क का। तो ये मैं लगा देती हूँ हल्का से, देखिए हमारी बालूशाही बनकर तैयार है और ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी हमारी बालूशाही बनकर तैयार हुई है, लग ही नहीं रहा है कि ये हमारी घर की बालूशाही है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो परत है वो बहुत ही अच्छे से बनी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी बालूशाही की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।